मैं कहता हूं सुबह सुबह योग करो, उससे फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी, स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अच्छे इंट्यूशंस आएंगे, खुश रहोगे। योग करने से उद्योग तो उसका बायो प्रोडक्ट अपने आप मिल जाएगा, योग करो उद्योग तो उसका बायो प्रोडक्ट है, प्रॉफिट तो उसका बायो प्रोडक्ट है, ब्रांड तो उसका बायो प्रोडक्ट है, सक्सेस तो उसका बायो प्रोडक्ट है। लोग योग और कर्मयोग पर ध्यान नहीं देते, उद्योग लगाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो पतंजलि की नकल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं यदि आपको कुछ भी करना है तो सुबह सुबह उठ करके योग कीजिए, आपकी 50 साल 60 साल की उम्र में भी 25-30 साल जितनी तो फिटनेस रहेगी। और एजेंडा, आज तक के एजेंडे की बात नहीं कर रहा हूं, एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि हम ये कैसे कर पाएंगे, इतनी चुनौतियां, इतने प्रश्न, इतनी समस्याएं, इतने संकट, इतने संघर्ष। एजेंडा ये होना चाहिए कि भगवान ने हर एक इंसान को दुनिया में वो सब कुछ दिया है जो किसी भी दुनिया के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से किसी कामयाब इंसान को मिलता है। हम अपने स्वयं को पहचाने, इसी का तो नाम है योग, मैं का बोध, मैं कौन हूं। जो अपने आप को पहचान लेता है फिर वो मानव से महामानव बन जाता है, पुरुष से महापुरुष बन जाता है, और अपने अपरिमित सामर्थ्य को जगा करके वो 100 नहीं 200% की भी ग्रोथ अचीव कर सकता है। और मैं आपको बताता हूं श्वेता जी, हमने पिछले लगभग 4 सालों से 100% की ग्रोथ हासिल की है, अगले साल भी हमारी कोशिश होगी, नोटबंदी की मंदी के बावजूद भी हम 100% की ग्रोथ हासिल करेंगे, और उससे आगे लक्ष्य होगा हम 200% की, माने आने वाले 3 सालों में 50,000 करोड़, और 2020 तक हमारा लक्ष्य है कि हम इनहाउस प्रोडक्शन पतंजलि का करीब 1,00,000 करोड़ रुपए करें और इस देश की जीडीपी में पतंजलि का ये योगदान दे। हम करीब 25,00,000 करोड़ रुपए का बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसमें 4-5,00,000 करोड़ चीन का हो जाता है, बाकी सब देशों का, और देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, डिफरेंट सेक्टर्स में करीब 25,00,000 करोड़ पर विदेशी कंपनियां काबिज हैं। यदि हम इस 50,00,000 करोड़ रुपए की विदेशी कंपनियों की अर्थव्यवस्था पर जो उनका कब्जा है उसको हटाना चाहते हैं तो इस देश में 100,00,000 करोड़ रुपए का इनहाउस हमें प्रोडक्शन करना होगा। तो 125 करोड़ के हिंदुस्तानियों में यदि 100 लोग भी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरह खड़े हो जाएं तो हम हिंदुस्तान को आने वाले 10 वर्षों में विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने की ताकत रखते हैं।